राम राम जी। एप्पल ते एक और नई चीज आ गई है भाई, नया नया लॉन्च होया है, यो है एप्पल एयरपोर्ट्स 3। 18,500 गया भाई ये। और पिछली वीडियो में मन थारते दिखाया था जब मैंने एप्पल वॉच ली थी, बहुत पसंद आया तुमने भाई मेरी वो वीडियो, मन सोची फिर ते भाई कर दूं अनबॉक्सिंग, की दिक्कत है कि नहीं। चलो भाई खोल के दिखा दूं है कि के भीतर। चलो जी डब्बा खोलोगे सब में ऊपर जो है यारे यू लिखा पाओगा, ये एप्पल का कुछ लिख रहा है भाई, हमने नहीं बेरा कैलिफोर्निया छोड़ो यारे हरियाणा सब में ऊपर भाई। और ये कुछ जो है पेपर वेपर है भाई, हमने पर डाक रहे सारी बात। और यूं करूँगा तो देखो भाई यारे जो है इसे कुछ हमने एयरपोर्ट्स 3 रखे मिल जाओ है यारे मारे भाई संचित ने, उसने अपना नाम लिखवा लिया, ऑप्शन था apple.com पे, तुम भी लिखवा लियो भाई apple.com ते ले हो गए थे है कि नहीं, पर बूंदा ला गया यार लिखा और साच, मैं तो साची बात करा करूँ भाई, देखो सीधी बात है। और खोल लूँ तो इसे कुछ है बाद में दिखाऊंगा, रुक को जल्दी की चीज की है। नीचे की तरफ जो है हमने अड़े एक केबल मिल जाओ भाई, जिससे आईफोन भी थारा चार्ज हो जाओगा, और इन्हें चार्ज करने तक भी तो कुछ चाहिए होगा है कि नहीं, या यूं है करोगे। चलो जी खोल दूँ मैं भी, यूज़ कर लूँगा इन्हें कदे कदे, इसमें दिक्कत क्या है। चलो पैर के दिखाऊँ और बताइयो किसा है, और जी ने तारीफ नहीं करी बूंदा पीटूंगा, ठीक है ना। देखो हाँ ये बैठूंगा चुपाड़ में उक्की की गैला इन्हें लगा के, देखूंगा कौन ना पसंद करेगा है कि नहीं, बताइयो किसा है कमेंट में। और सब्सक्राइब बटन भी दबा दो जल्दी से। हाँ सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर रखना चाहूंगा स्टूपिड प्राइसिंग का। अगर मैं आप लोगों से ना इसके कंपटीशन की भी बात करूं ना जो मार्केट में अवेलेबल है, तो एक जो मेरे आजकल फेवरेट एयरफोन्स चल रहे हैं वो है नथिंग एयर 1। वो 5,500 के मिल जाते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ, और उनका भी साउंड सिग्नेचर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। नहीं तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है 10,000 रुपए का, और वो है वन प्लस बर्ड्स प्रो, और वो भी गाइज इतने ज्यादा प्रीमियम एयरफोन्स है, उनमें ANC के साथ साथ अच्छा बैटरी बैकअप और बहुत कमाल का माइक, ये सब कुछ मिलता है। फिर एकदम से ये आते हैं एयरपोर्ट्स 3 जो कि 18,500 रुपए की है, और मैं स्टूपिड प्राइसिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं एयरपोर्ट्स प्रो की बात करूं जिनमें ANC है एप्पल की तरफ से ही जो आते हैं, वो भी कभी कभी सेल में 18-19,000 के आसपास के मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा अजीब प्राइसिंग थी खासकर हम इंडियंस के लिए। ये क्या पैसे लगा रखे है भैया, पैसे कोई कंसर्न थोड़ी ना होता है, पैसे तो सबके पास होता है। पैसे सबके पास होते हैं। अच्छा मैं ऑनेस्टली आप लोग को बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ा एप्पल फैन हूं, मैं अराउंड 4 या 5 साल से एप्पल इकोसिस्टम को बहुत ही थोरली यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इनकी भी बात करूं ना, मैं लास्ट बुराई और करूंगा स्टार्टिंग में, कि ये कंफर्टेबल नहीं है, इनको पहनने के बाद कानों में दर्द होता है। जब देखो एप्पल की बुराई, हर टाइम एप्पल की बुराई, कैसे कर सकता है कोई, एप्पल से बढ़िया कुछ नहीं है। लेट मी क्लियर गाइस, मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ ये जो है अनकंफर्टेबल है फॉर श्योर, क्योंकि जो इनकी शेप है कुछ ऐसा समझो जो एयरपोर्ट्स प्रो है ना उनका, जस्ट यहां पर सिलिकॉन टिप्स हटा दो और ये बन जाएंगे। लेकिन मैं ये भी बता सकता हूं कि शेप चेंज होने के बाद जब मैंने इनको 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली यूज किया कॉलिंग पर्पसेस के लिए, तो गाइज यहां पर मेरे कानों में दर्द होने लगा। मन कर रहा था कि यार यहां पर जो है एप्पल को एक मसाज वाला बंदा भी देना चाहिए। लेकिन एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे अच्छे से याद है जो पहले वाले एप्पल के एयरपोर्ट्स थे ना, जब मैंने स्टार्टिंग में उनको यूज किया था तो कुछ टाइम तक मेरे कानों में बहुत दर्द रहा था, फिर धीरे धीरे मैं यूज टू हो गया था। फॉर श्योर 2-3 महीने यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको भी लाइक अडेप्ट कर लूंगा, लेकिन ये चीज मेरे को लगा कि सबसे पहले आप लोग को बतानी चाहिए कि इनको पहनने के बाद एक्चुअली में कानों में दर्द होता है, और ये मैंने कंफर्म किया अपने टीम मेंबर के साथ भी, और पर्सनली तो मैं यूज कर ही रहा हूं। लेकिन ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके से बुरा नहीं है, वैसे जो है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी का मैं बोल सकता हूं, इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है। जैसे कि फर्स्ट मैं आप लोग को बताता हूं प्रेशर सेंसर के बारे में, या फिर फोर्स सेंसर आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ने इनकी टिप के नीचे ना फोर्स सेंसर लगा दिया है कि जिससे आप जोर से प्रेस करते हो तो आपका म्यूजिक प्ले या पॉज होगा, या फिर आप डबल प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हो, जैसे कि पहले टैप होता था इसकी स्टैंप के ऊपर, अब जो है पूरा का पूरा फोर्स वाला सेंसर लगा दिया जिससे प्रेशर वो समझ सके। ये मेरे को ज्यादा प्रैक्टिकल लगा और एक्चुअली में काम बहुत सही करता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। नंबर 2 साउंड सिग्नेचर क्या मस्त तरीके से इंप्रूव किया है भाई, मेरे पास ना शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। पहले जो एयरपोर्ट्स थे ना एप्पल के वो बहुत सटल साउंड करते थे, अब तो इन लोगों ने लाइक फॉर रियल मसालेदार बना दिया इनको।
मतलब मेरा कहने का ये है कि गाइज अगर अब मैं इनमें गाने सुनता हूँ ना तो क्या मस्त लेवल का बेस आता है, और जो ट्रेबल थे ना, मतलब जो हिस साउंड होती है या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है, उनको इतने सही तरीके से मैनेज करता है कि कानों में चुभती नहीं है आवाज। मुझे अभी भी याद है मैं पहले वाले एयरपोर्ट्स लाइक बहुत रेगुलरली यूज करता था, तो अगर मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ और पीछे से उसके हॉर्न की आवाज आती थी तो मेरे कानों में दर्द होता था, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो वो कानों में चुभती थी आवाज। अब इन वाले एयरपोर्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व कर दी गई है, और ये इतनी एक्सीलेंट बात है, मतलब मेरे जैसे यूजर के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैं ना एक बात बताता हूं, जिनके पास एयरपोर्ट्स होते हैं ना उनका नेक्स्ट लेवल शो ऑफ होता है, लाइक वो मेक श्योर करते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स हर कोई देखे। तो एक बार ये मूवमेंट देखो आप, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, ये पहले वाले नहीं थे। काफी लोगों को लगता था कि पहले वाले वाटर प्रूफ है, बट वो वाटर डैमेज सह तो जाते थे, बट ये मतलब पूरी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। बाकी इसके अंदर ने स्किन डिटेक्ट सेंसर लगाया है, मेरे को वो सेंसर लाइक बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपके जेब में एयरपोर्ट्स रहते हैं तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा कि आपके कानों में लगे हुए है, ये एक हेल्पफुल चीज 100% है। और एक इसके अंदर जो है स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट आ गया है, जिसको नहीं पता क्या है तो समझ लो 5 अलग अलग जगह से आवाज आती है, और इसके अंदर डायनेमिक हेड ट्रैकिंग भी है, मतलब अगर आप सर घुमाओगे तो जो है लाइक वो ऑडियो उस तरीके से मतलब रिएक्ट भी करेगी। तो मतलब हाँ, बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है स्पेशल ऑडियो में गाने सुनने का, बट हाँ बहुत कम म्यूजिक अवेलेबल है उसके लिए, बट सपोर्ट है। बट यार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,500 रुपये इसके लिए भी इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। यार चार्जिंग पे लगा लेता हूँ इसको, वायरलेस चार्जिंग के मजे तो ले। मेरे साथ तो भाई ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है कि मैं जो हूँ चार्जर ऑन करना भूल जाता हूँ। खैर, इस चीज को लेकर एप्पल ने एक थॉट तो बहुत मस्त दिया है, इंप्रूवमेंट बहुत ह्यूज देखने को मिल गई है, वो है बैटरी लाइफ के अंदर 6 घंटे। गाइस 6 घंटा बहुत ज्यादा होता है एक एयरपोर्ट्स को लेकर, TWS को खास करके मैं देखते हुए चलूँ तो भाई 6 घंटे यहाँ पर बैटरी बैकअप बहुत बड़ी बात है, और साथ में जो पूरा चार्जिंग केस है वो टोटल 30 आवर्स का प्लेबैक दे सकता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट है। मेरे को ये बात बहुत मस्त लगी, और वैसे स्पेशल ऑडियो के साथ हमें जो है 5 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है। तो इन शॉर्ट इस मामले में मैं बोल सकता हूँ कि इन एयरपोर्ट्स ने बिल्कुल किल कर दिया है। पता है गाइज, मैं वीडियो को अननेसेसरी लंबा बना सकता हूँ ये बोल कर कि देखो भाई इस बार कैसे माइक को इम्प्रूव कर दिया गया है, कॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को एज सच कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं लगा माइक्स के अंदर कि मैं जिसको बोलूँ नॉइस कैंसिल हो गई है, या फिर लाइक पुराने वाले जो एयरपोर्ट्स 1 और 2 थे वो इक्वली अच्छे ही है, लाइक वो बहुत अच्छे है कॉलिंग के लिए, तो मैं इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बता दूँ इतने महंगे होने के बाद भी। और मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि 18,500 रुपये ओवर प्राइस मैं बोल सकता हूँ। वैसे जो एयरपोर्ट्स प्रो है जो मैंने आप लोग को बताया था सेल के टाइम पे 18,000 के आसपास के मिलते हैं, वो ज्यादा मतलब लॉजिकल ऑप्शन बन रहा है खुद से। और हाँ, इसके अंदर जो वायरलेस चार्जिंग है उसको देख के भी नहीं कह सकते कि 18,500 रुपए लाइक पूरे वसूल है। बाकी इकोसिस्टम को देखते हुए चलूं तो हाँ मुझे वैल्यू फॉर मनी लग सकते हैं, बट मैं फिर से कंक्लूजन में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेल में एयरपोर्ट्स प्रो मिलते हैं 18,000 के तो वो खरीदना ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन है, नहीं तो जो एयरपोर्ट्स 1 और 2 है वो आज भी 2021 के अंदर भी बहुत अमेजिंग परफॉर्म करेंगे, आपको एज सच दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो उनको रिकमेंड अभी के लिए कर सकता हूँ जब तक इनका प्राइस डाउन नहीं होता है। तो ये बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट का जो साउंड सिग्नेचर है वो बहुत इनहेंस्ड है, बहुत अच्छा साउंड करते हैं, बट जो प्राइस है वो दूर दूर तक जस्टिफाई नहीं करता है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में नहीं जाना तो आप प्लीज़ जो नथिंग एयरफोन्स 1 है उनको ट्राई करो, या फिर वन प्लस बर्ड्स प्रो, वो 10,000 के आते हैं, वो भी प्रीमियम सेगमेंट है, वो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट है। ये तो मैं आप लोग को दिल खोल कर बोल सकता हूँ बहुत प्यार से, और आई होप आपको जो है मज़ा भी आया हो वीडियो देखने में, थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगा हो, और साथ में आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल गई हो। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप यहां से और यहां से चेकआउट कर सकते हो, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस है। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। खैर, अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।